वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इस खेल को शर्मसार कर देती हैं। एशिया कप 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भी कुछ मैदान के अंदर और कुछ मैदान के बाहर ऐसा हुआ जो क्रिकेट फैंस को नाखुश करने वाला था। इस मैच के 19वें ओवर में दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच मैदान में भिड़ गए। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली ने शानदार छक्का लगाया, लेकिन अगली गेंद पर जैसे ही आसिफ आउट हुए, गेंदबाज फरीद ने उनके पास जाकर कुछ कहा, जिसके जवाब में आसिफ ने उन्हें धक्का दिया और बल्ला दिखाया। मैच के दौरान पहले खिलाड़ियों की नोकझोंक हुई, फिर पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद दोनों टीम्स के फैंस स्टेडियम में ही भिड़ गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान अफगानिस्तान के फैंस ने स्टेडियम की कुर्सियां निकाल ली और पाकिस्तानी फैंस को दौड़ा दौड़ा कर मारा। स्टेडियम के बाहर भी पाकिस्तानी फैंस के साथ मारपीट हुई। इन घटनाओं के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और अब शारजहां पुलिस से इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तालीडर, हिंदी।